Hello friends, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the remaining tissue chapter of class 7. In last class I told you about the tissues, how many types of the tissue? Two types, meristematic and permanent. Permanent has also have two types, simple and complex, and simple has also two types, protective and supportive, and complex has two types, that is phloem and xylem. प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव क्या काम करते हैं? जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारे प्लांट्स को लीव्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. डर्मल भी इन्हें हम कहते हैं. जैसे हमारी स्किन होती है कि हमें चोट लगती है तो डायरेक्ट हमारी अंदर टिश्यूज़ में नहीं लगती है, हमारी स्किन पे उसके नीचे की लेयर और उसके बाद वो अंदर जाती है. फिर इसी तरह हमारा प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे हम कहते हैं. इसमें हमने तीन पढ़े थे, एपिडर्मिस और वैक्स और कॉर्क, ये तीन हमने पढ़े थे, है ना. और अब हम बात करेंगे सपोर्टिव टिश्यू की. सपोर्टिव टिश्यू जो हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में, उनको बढ़ने में, उनके फूड बनाने में, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. तो ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो हम इसमें पैरेन्काइमा की बात करते हैं. इनका मैंने तीनों का चार्ट बना दिया है एज अ डिफरेंस. ये डिफरेंस भी पूछा जाता है और खाली इनकी डिटेलिंग भी पूछी जाती है. तो पैरेन्काइमा में टू हमारे और टॉपिक्स हैं, कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा, जो मैं बाद में बता दूंगी आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी. एरेन्काइमा में एरी होता है, स्पेसियस होता है, ठीक है. और जो हमारे कोलेन्काइमा होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है. वो मैं लास्ट में एक नोट बना के आपको भी दे दूंगी. अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की. जो पैरेन्काइमा होती है इनकी सेल्स कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं और इनकी जो वॉल होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है. सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड. और कोलेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं ये लिविंग तो होती हैं जैसे पैरेन्काइमा की लिविंग होती हैं, लेकिन जो इनकी कॉर्नर्स होते हैं टिश्यूज के वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है. इनमें क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं, ओके. अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो इनके सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं. कैसे होते हैं सेल्स इनके? ओवल होते हैं शेप में, राउंडेड भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकते हैं, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं कोलेन्काइमा के. इनके इलॉन्गेटेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं. सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो. इनके सेल्स कैसे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के? लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, बहुत चौड़े नहीं होते हैं. अब हम पैरेन्काइमा में थर्ड की बात करेंगे. दे आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. इनमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं सेल्स के बीच में. इनमें भी होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस लेकिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें होते ही नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस देयर. अब हम यहाँ बात करते हैं जो सेल वॉल होती है हमारी. सेल वॉल जो है हमारी ये मेड अप ऑफ सेलुलोज की होती है. पैरेन्काइमा में जो हमारी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है. कोलेन्काइमा में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है. ये हमारे सारे क्या हैं? सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज अभी आप लोगों में ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, सो मैं अपनी एक क्लास दे दूंगी इसके बारे में. तो सेल वॉल जो है होती है वो पैरेन्काइमा में सेलुलोज की बनी होती है. इसमें कोलेन्काइमा में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है. और जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल बनी होती है वो लिग्निन की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये डेड होती हैं सेल वॉल्स और थिक होती हैं. इनके फंक्शन की बात करते हैं, स्टोर्स फूड एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट्स. ये क्या करते हैं पैरेन्काइमा? फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं और प्लांट्स को एक रिजिडिटी देते हैं, रिजिड बनाते हैं. कोलेन्काइमा क्या करते हैं? ये इलास्टिसिटी देते हैं कि वो खिंचते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ, रिजिडिटी देते हैं, स्टेबल रहें और टेंसाइल रहें और उनमें मजबूती रहे, ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं. मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि ये जिससे फूड बना सकें, अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के उनमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम ये आसानी से कर सकें, ठीक है.
तो ये आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरेंटाइमा की जो सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं, थिन वॉल होती हैं, पोलेनकाइमा की सेल्स लिविंग और थिक होती हैं, कॉर्नर्स में लेकिन थिक होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स डेड होती हैं, लिविंग नहीं होती हैं, इनमें दोनों में लिविंग होती हैं उसमें डेड होती हैं स्क्लेरेनकाइमा में, इनमें थिन वॉल्ड होती है उसमें कॉर्नर्स पे थिक होती है लेकिन वो थिक वॉल्ड ही होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं शेप में, उसमें इलांगेटेड होते हैं कॉलेनकाइमा में, सर्कुलर होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, काफ़ी अच्छी स्पेस होती है, बड़ी स्पेस होती है सेल्स के बीच में, इसमें बहुत कम स्पेस होती है, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, इसमें जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्युलोज की बनी होती है, इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्युलोज और पेक्टिन की, और इसमें लिग्निन की बनी होती है। इसमें फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, इसमें रिजिडिटी के साथ साथ इलास्टिसिटी और टेंसाइल और प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट हमारे काम करें वो बहुत मजबूती से काम करें और बहुत अच्छे से काम करें। अब हम पेरेंकाइमा के बचे हुए दो टॉपिक को नोट वाइज हम बता देते हैं आपको, देख लीजिए बहुत छोटे छोटे से हैं, पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इसमें हमारे एक आता है कॉलेनकाइमा, सॉरी कॉलेनकाइमा नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं हम क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा आता है हमारा। क्लोरेनकाइमा की बात करें तो मैंने बताया कि जिनमें लीव्स में, इन लीव्स पेरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, जिनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इन लीव्स इन लीव्स पेरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या करता है, लीव्स को ग्रीन दिखाता है, अगर हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो प्लांट हमें ग्रीन दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरेनकाइमा की, ये नोट लगा के अपने पास लिख लीजिएगा, कई जगह ये पूछा भी जाता है, ठीक है। व्हाट इज द क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा विद रिलेटेड टू पेरेंकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी हमारे पानी में, जैसे लोटस होता है हमारा, इन एक्वेटिक प्लांट्स इनमें क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें सेल्स में अच्छी स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है, एयर स्पेस टू मेंटेन, जो क्या मेंटेन करती है, उसकी बायंसी बताती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत ही बाउंसी है, तो बाउंसी के लिए क्या कहते हैं हम, बाउंसी है, हल्का है, जिनमें एयर स्पेस होती है वो बहुत हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक में क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, पेरेंकाइमा में हमारे टू टॉपिक्स और हैं, एक क्लोरेनकाइमा है और एक एरेनकाइमा है। जो क्लोरेनकाइमा है वो लीव्स में जो पेरेंकाइमा पाए जाते हैं, जिन लीव्स में पेरेंकाइमा पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीव्स हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। एरेनकाइमा क्या होते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड एयर स्पेस होती है, जिसकी वजह से वो बायंसी बना रखते हैं कि ऊपर वो तैरता रहता है। आपने देखे होंगे जो हमारे पॉन्ड और रिवर में प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें एक एयर स्पेस होता है, बायंसी होती है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस बना के वाटर में
रहते हैं, ठीक है। सो क्लास प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड द फर्दर डिटेल ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव यू माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।